उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर जहां उनके जन्मदिन को बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों के जरिए मनाया, तो वहीं मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में संकल्प दौड़ का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की देवतुल्य जनता के सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री खजान दास, संगठन मंत्री श्री अजय कुमार, पार्टी पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की पूरी जनता का, जिन्होंने लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड को पूरी तरह से माफ करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी।